आज के 12 दिसंबर के ईश्वरीय वरदान में आप सबका स्वागत है। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी सेवा करें वो योग युक्त हो और युक्ति युक्त हो, जिस कारण से हमारे पास में जो एक्सपीरियंस होंगे वो सारे बहुत ही शक्तिशाली होंगे, खुशी होगी उसके अंदर, और साथ ही साथ हम महसूस करेंगे मन और बुद्धि से कि हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। जितनी भी मन और बुद्धि की बीमारियाँ होंगी वो छूटती जाएंगी, और साथ ही साथ अति इंद्रिय सुख महसूस होगा। ये ऐसा सुख है जो कि आपकी आँखों, कान, मुख, जीभ, पेश करने, देखने, लगाने से नहीं मिलता है। तो ऐसा सुख जो कि और आत्माओं को सुख देने से ही मिलता है। तो सेवा ऐसी एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएं, और साथ ही साथ परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने शुरू, हमारे मतलब हम आत्मा के अंदर आने शुरू हो जाए। तो देखिए आज परमात्मा कहते क्या हैं। परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में कि हम हर क्षण जो भी सेवा कर रहे हैं वो हम योग युक्त करें और युक्ति युक्त करें। तो यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भवा। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल उसी इंस्टेंट में आपको फील होगा जब आप परमात्मा के वचन बोलेंगे और उसको शांत, सुख और प्रेम प्रदान करने के लिए, तो उसी समय आपको प्रत्यक्ष फल मिलेगा, क्योंकि आप जो अपने मन बुद्धि में परमात्मा के वचन बोलेंगे उससे आपको ही हल्कापन, आपको ही शांति, आपको ही खुशी महसूस होगी। तो यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भवा। विस्तार में चलें, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है, योग युक्त मतलब परमात्मा से कनेक्ट होकर के अगर हम सेवा कर रहे हैं, सेवा मतलब कोई भी प्रकार की, चाहे आप मनसा से या बोल करके, या अगर आप सेवा करते हैं धन संपत्ति लगा करके, तो अगर वो यथार्थ है, उसमें आपकी कोई मलिच, कोई भी अपवित्र, कोई भी गलत, कोई भी लेने वाला संकल्प नहीं है, सिर्फ देने का संकल्प है, लेने का नहीं है, योग युक्त है और यथार्थ है, सच्ची सेवा है, तो सेवा का फल खुशी, अति इंद्रिय सुख, खुशी मिलेगी आपको। अति इंद्रिय सुख जो कि इन 5 senses से, 5 कर्मेंद्रों से आप जो नहीं ले सकते हैं, भौतिक दुनिया से नहीं ले सकते हैं, वो सुख मिलेगा जो कि इंद्रियों से भी दूर होकर के आत्मा का सुख है, मन बुद्धि का सुख है, वो मिलेगा। डबल लाइट की अनुभूति, डबल लाइट मतलब कि हल्का, मन बुद्धि से भी हल्का, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया क्या नहीं किया, उससे भी हल्का, और परमात्मा की जो छत्रछाया है उनका प्रकाश, उनकी याद में रहते हुए हल्का। अनुभवी अथवा बाप के कोई ना कोई लाइट, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के मतलब परमात्मा पिता के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। हल्कापन हो गया, फिर असोचतापन हो गया, साथ ही करुणामयी हो गए, आपके अंदर दया आएगी, करुणा आएगी, ये गुण आपके अंदर बढ़ते जाएंगे, सहनशीलता आपके अंदर बढ़ती जाएगी, मधुरता आपके अंदर बढ़ती जाएगी, अंतर्मुखता आपके अंदर बढ़ती जाएगी, आप कई चीजों को 10 गुना दूर तक देख पाएंगे जो कि अभी तक हम नहीं देख पा रहे थे। ये सब कुछ होगा जब आप और आत्माओं की सेवा करते हैं परमात्मा के ज्ञान के द्वारा। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। प्रत्यक्ष फल मतलब क्या हुआ, आपने किसी को मदद करी, उनकी पीड़ाओं को, उनके दुख दर्द को खत्म करने की कोशिश करी आपने, तो प्रत्यक्ष फल उनसे दुआएं मिली, तो उनकी दुआएं ही आपके मन बुद्धि को तंदुरुस्त रखती हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मन से, वाचा से और कर्मों से, यथार्थ परमात्मा के दिए हुए तरीकों से हम औरों से व्यवहार में, वार्तालाप में सेवा अर्थ नहीं आते हैं, जिस कारण से हम औरों के साथ में साधारणता से आते हैं। मतलब कि जब इरिटेशन हुई तो इरिटेट हो गए, जब गुस्सा है तो गुस्सा हो गए, जब मूड ऑफ हुआ तो कुछ गलत बोल दिया, तो हमने परमात्मा के अनुसार जब कर्म नहीं करे तो हमारा मन बुद्धि तंदुरुस्त फील नहीं करती है, और हमें कर्मेंद्रियों के द्वारा सुख लेने की इच्छा बढ़ जाती है और आत्मिक सुख की कमी महसूस होती है। तो सेवा मतलब ये नहीं कि आप किसी को ज्ञान ही सुनाएं,
अगर आप किसी के साथ में मधुरता से बात करते हैं, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, क्रोध मुक्त होकर के, अहंकार मुक्त होकर के, ईर्ष्या घृणा मुक्त होकर के, लोभ मुक्त होकर के, तो वो भी एक सेवा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उसका फल इंस्टेंटली आपको हल्कापन महसूस होता है, डबल लाइट महसूस होता है, अति इंद्रिय सुख महसूस होता है, खुशी महसूस होती है अंदर। ये सारी चीजें अभी की अभी मिल सकती हैं, लेकिन चलना किसको है? खुद को। फिर परमात्मा कहते हैं, अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल मतलब वो प्रत्यक्ष कब होगा? जब आप किसी से उस अनुसार बातचीत करें, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार बातचीत करें, उनके अनुसार चले, उनके अनुसार व्यवहार करें, तब उसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा आपको, रिटर्न मिलेगा। कहा भी जाता है ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो उसी समय इंस्टेंट प्रत्यक्ष फल। कलयुग में गलत करो तो गलत का प्रत्यक्ष फल इंस्टेंट मिलता है, अच्छा करो तो अच्छे का भी प्रत्यक्ष फल इंस्टेंट मिलता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर सेकंड जो इस संगम को चल रहा है, आपको मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ उसके अनुसार अगर आप चलते हो तो आपके अंदर खुशी, आपके अंदर सुख, आपके अंदर आनंद सब बढ़ना शुरू होता है। ट्राई तो करके देखो। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। सतयुग में नहीं, इस युग में ही एवर हेल्दी। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो उसका असर बद्दुओं के द्वारा हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे मानसिक हेल्थ ले, चाहे आप शारीरिक हेल्थ ले। एवर वेल्दी, एवर वेल्दी का मतलब क्या है? जब आप ज्ञान गुणों से वेल्दी हो जाते हैं तो आपके व्यवहार के अनुसार आपके पास में सही तरीके से धन संपत्ति आनी शुरू हो जाती है, गलत तरीके से नहीं। एवर हैप्पी, एवर हैप्पी का मतलब ही ये हुआ कि आप जब किसी और के दुख को मिटाते हैं तो आपके अंदर के दुख भी मिटने शुरू होते हैं, क्योंकि आपके अंदर विवेक विद्या आ जाती है कि और को समझाते समय आपको भी बहुत सारी चीजें समझ आनी शुरू होती हैं। इसलिए कहते हैं कि धन बांटना चाहिए। कौन सा धन? ज्ञान धन बांटना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो बुद्धि जो है, जो विवेक है, वो और पावरफुल और स्ट्रांग होता जाए बांटते बांटते, और हम हमेशा अपने ऊपर ध्यान दें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। जब हम किसी को बताते हैं तो सबसे पहले ध्यान अपने ऊपर जाता है। ये सारी चीजें आपको ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती हैं। वहां पर जाकर के आप निःशुल्क सेवा अर्थ मतलब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जब वहां पर जाएंगे, आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी सेवा करते, अपने आप को शांत करके आप औरों को शांत कर देंगे। ये राज आप वहीं पर जाकर के समझ पाएंगे। इसके साथ ओम शांति।